हरे कृष्णा हमरा एखन एससी दारोगापुरी धाम तो हम लोगों को साथ हैं हमारा हरिप्रेम प्रभु जी ने तो हरिप्रेम प्रभु बलदेव विद्यानगर से हैं तो प्रभु जी हम लोगों को धाम घुमाने के लिए हमारे साथ आए बहुत कष्ट उठा के हम लोगों को सब अरेंजमेंट किया तो प्रभु जी को हम सब तरफ से हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं तो प्रभु जी को कुछ हमारा जो धाम दर्शन करेंगे तो उसका पहले कुछ इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलेंगे तो ये दारोगापुरी में क्या क्या है ये पोरबंदर में हम लोग आ चुके हैं अभी तो इधर क्या क्या चीज़ है देखने के लिए तो प्रभु जी से थोड़ा हम सुन लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे जितना पता है उतना ही बता पाऊँगा। ये जो सुदामापुरी धाम है मतलब जो पोरबंदर है, पोरबंदर में एक तो जामवन गुफा है, पोरबंदर से 14 किलोमीटर दूर जामवन गुफा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और जामवन का 27 दिन तक युद्ध चला था सिमंतक मणि के लिए, वो भी नज़दीक में ही है, वो भी दर्शन के लिए हम ले जाएंगे प्रभु जी लोगों को। और दूसरा है सुदामा नगरी, यहाँ पर सुदामा जी का आविर्भाव हुआ है, मतलब उनका जन्मस्थली यही ये है। और दूसरा यहाँ पर जो अभी इस कलयुग में मतलब गांधी जी उनका भी जन्म स्थान यही है, गांधी जी का भी, और गांधी जी का भी म्यूज़ियम बनाया हुआ है, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी तो उनका भी यहीं पर है, महात्मा गांधी जी का भी। तो हम सुदामा मंदिर भी जाएंगे, सुदामा मंदिर के नज़दीक में जगन्नाथ मंदिर भी है काफ़ी साल पुराना, वहाँ भी जाएंगे। और हम यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे सोमनाथ के लिए, और सोमनाथ के बाद द्वारका जाएंगे, जाते हुए भालका तीर्थ, हाँ भालका तीर्थ के भी दर्शन करेंगे जहाँ भगवान को मतलब पैर में तीर लगा था। और हम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये धाम से आए हुए हैं, मतलब मायापुर धाम के नज़दीक में ही पानीहाटी है, और पानीहाटी भी एक धाम ही है जहाँ से ये सभी भक्त आए हैं। तो इन्हीं सब भक्तों को सबसे पहले तो मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो मतलब हमारे राज्य गुजरात में आए हैं दर्शन करने यात्रा लेकर, और यात्रा भगवान सुखद पूर्ण बनाए ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यात्रा में छोटी मोटी कुछ परेशानियाँ तो आती ही हैं, लेकिन भगवान ने अभी तक का सारा व्यवस्था बहुत अच्छे से किया है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सारी यात्रा में सारी व्यवस्था अच्छे से हो जाए, किसी को किसी भी भक्त को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हम यही प्रयास करेंगे जो नए भक्त हैं हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ आए हैं मतलब यहाँ यात्रा में, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, हम यही मतलब ऐसा व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और हम यही प्रार्थना करेंगे सभी से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मतलब इस धाम में आएँ और दर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इधर के लाभ उठाएँ। और द्वारकापुरी में जो है, द्वारका में समुद्र मतलब गोमती नदी है, वो समुद्र से कनेक्टेड है, मतलब समुद्र में ही गोमती का वो है मिश्रण है। तो और दूसरा बेट द्वारिका, बेट द्वारिका जाने के लिए उसी समुद्र से हमको बोट में बैठकर जाना पड़ता है हम सभी को। और बेट द्वारिका में, बेट द्वारिका मतलब कि जहाँ पर भगवान को भेंट चढ़ाई जाती है, कुछ लोग चावल की भेंट चढ़ाते हैं, तो वहाँ मुख्य है भेंट चढ़ाना। और वहीं से ही जो बोडाना है डाकोर में, जो आज आप डाकोर में द्वारकाधीश देख रहे हैं, मतलब रणछोड़ राय का जो मंदिर है डाकोर में, मतलब स्वयं द्वारकाधीश ही हैं, और द्वारकाधीश स्वयं अपनी इच्छा से डाकोर गए थे, बोडाना करके भक्त हैं डाकोर में, उन्हीं से मतलब कि उनके साथ वो स्वयं चलकर गए, मतलब बैलगाड़ी में बैठकर गए उनकी इच्छा से। और आज जो मुख्य विग्रह है वो है डाकोर में, और जो दूसरा विग्रह है भगवान का प्रकट विग्रह वो है यहाँ द्वारका में, पर जो मुख्य विग्रह है पहला विग्रह जो स्वयं भगवान चलकर मतलब डाकोर गए, तो वह मुख्य विग्रह है डाकोर का। तो अभी डाकोर के दर्शन हम नहीं कर पाए क्योंकि कुछ ट्रेन के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ट्रेन काफ़ी लेट हो गया। अभी हम प्रयास करेंगे कि अगली बार ऐसी व्यवस्था की जाए कि सबको डाकोर के भी दर्शन हो सके। हरे कृष्णा आप सभी को। हरे कृष्णा।